राजस्थान विधानसभा चुनाव का प्रचार शोर थम गया है और शनिवार को 199 सीटों पर मतदान होना है। राजस्थान की सियासत में 3 दशकों से हर 5 साल पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड चल रहा है। सूबे में सत्ता बदलने के रिवाज में सभी 200 विधानसभा सीटों पर भूमिका नहीं होती है, बल्कि महज 57 सीटों का ही अहम रोल होता है। इन 57 सीटों पर एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस के विधायक बनते हैं, जिसके चलते प्रदेश की सत्ता बदल जाती है। ऐसे में देखना है कि इस चुनाव में भी यही ट्रेंड रहता है या फिर 15 सालों में चली आ रही परंपरा टूट जाएगी। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 60 सीटों पर बीजेपी काफी मजबूत है और यहां उसे लगातार जीत मिलती आ रही है। वहीं 21 सीटों पर कांग्रेस की स्थिति हमेशा बेहतर रही है, उसे यहां पर हार का मुंह कभी नहीं देखना पड़ा। इस तरह 81 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के विधायक परंपरागत तौर पर जीत दर्ज कर रहे हैं। इस तरह बाकी बची 119 सीटों में से 57 सीट पर मतदाता का मूड बदलता रहता है, जबकि अन्य यही सीटें 62 सीटों पर 2 बार कोई विधायक रहता है तो कई 3 बार। किस इलाके की सीटें बदलती है मिजाज? राजस्थान की सत्ता हर 5 साल पर परिवर्तन की इबारत लिखती है। 1993 के बाद से सत्ता बदलने का रिवाज है और 218 के चुनाव में भी यही पैटर्न रहा। प्रदेश की सभी विधानसभा सीट पर नहीं होता कि एक बार जीतने वाली पार्टी अगले चुनाव में हार ही जाए। साल 2008 परिसीमन के बाद 57 विधानसभा सीटें ऐसी सामने आई हैं जिन पर अब तक हुए 3 विधानसभा चुनाव 2008, 13 और 2018 में मौजूदा विधायक अपनी सीट नहीं बचा पाते हैं। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन में रोल अदा करने वाली 57 सीटें किसी एक खास इलाके की नहीं है। इन सीटों में सबसे ज्यादा 13 सीटें अजमेर संभाग की हैं, जबकि जयपुर संभाग की 12 सीटें हैं। उदयपुर और जोधपुर संभाग की 8-8 सीट हैं, तो कोटा संभाग में 6, बीकानेर और भरतपुर में 5-5 सीटें हैं। इन 57 विधानसभा सीटों पर 3 चुनाव से बदलाव का परिणाम देखा जा रहा है। हालांकि कुछ सीटों में केवल कांग्रेस या भाजपा के ही विधायक नहीं चुने जाते, बल्कि छोटी पार्टियां निर्दलीय भी जीतने में सफल रहती है। बीजेपी और कांग्रेस का मजबूत गढ़। राजस्थान में ही कई सीटें ऐसे भी है जो इस चर्चित ट्रेंड से अलग चल रही है। 1972 से 2018 तक हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़ों से जाहिर होता है कि 60 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी 2 बार से लेकर 6 बार तक जीत दर्ज कर रही है। बीजेपी 13 सीटों पर 4 बार से ज्यादा दर्ज करती आ रही है जीत, तो 13 सीट ऐसी है जिन पर 3 बार से कब्जा है, जबकि 33 सीट विधानसभा सीटों पर 2 बार से जीत दर्ज कर रही है। वहीं कांग्रेस के दबदबे वाली महज 21 सीटें हैं। इन सीटों पर 5 बार से लेकर 2 चुनाव कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस 5 बार सिर्फ 1 सीट पर ही जीत सकी है। जोधपुर की सरदारपुरा सीट है जहां से अशोक गहलोत सीएम है, और बाड़ी सीट पर 4 बार जीत दर्ज की गई है। 6 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस लगातार 3 चुनाव से जीत दर्ज करती आ रही है। इसके अलावा 13 सीटें ऐसी हैं जहां पर पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस का कब्जा रहा है। 2023 में क्या बदलेगा रिवाज? राजस्थान विधानसभा चुनाव में चले आ रहे 3 दशक से सत्ता परिवर्तन का रिवाज को कांग्रेस क्या बदल देगी या फिर बीजेपी उसे बरकरार रख पाएगी? बीजेपी और कांग्रेस ने अपना दमखम पूरी तरह से लगा दिया है, लेकिन चुनावी ट्रेंड से दोनों ही दलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। बीजेपी इस उम्मीद में है कि सत्ता परिवर्तन का रिवाज बरकरार रहता है तो उसकी सरकार में वापसी संभव है, जबकि कांग्रेस इस कोशिश में लगी है कि इस ट्रेंड को बदला जाएगा और उसके लिए सीएम गहलोत केरल में वामपंथी दल की वापसी का आधार बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, राजस्थान।